ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 26 कर्मोपास्ति विचार्येते कर्मोपास्ति विचार्येते अनुष्ठेया विनिर्णयात् अनुष्ठेया विनिर्णयात् विनिर्णयात् बहुशाखा विप्रकीर्णिम् बहुशाखा विप्रकीर्णं बहुशाखा विप्रकीर्णं निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः 27 निर्णीतोऽर्थकल्पसूत्रैः ग्रथितस्तावतास्तिकः विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठानमञ्जसा बहुशाखा विप्र
विप्रकीर्णम। कल हमने देखा वेदांत की अनेक शाखाएं हैं, वेदांतेषु असम, तो अनेक शाखा वो अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार की उपासना वो जो है अब बिखरी हुई है प्रकीर्णम, तो वो जो है अनेक स्थान पर अनेक प्रकार से जो उपासना है उन सब का जो समन्वय करना है, निर्णय तुम कह नर प्रभु, उनका निर्णय करने के लिए कौन नर समर्थ है, आप समझो कौन मनुष्य समर्थ है। अगर वो अनेक स्थान पर बिखरे हुए हैं तो वो कहाँ है कैसे है उनका तो हमें निर्णय करना पड़ता है। पूरा वेद हम पढ़ेंगे, हम वेदांत का अध्ययन करेंगे तो हमें ये मालूम होता है, आप समझ, हमें ये सब, और इसलिए कहते हैं हम स्वयं ये सब अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कर्मोपास्ति विचारिये थे, कर्मोपास्ति द्विवचन, आप देखो विचारिये थे, उनके ऊपर विचार किया हुआ है, आप समझो। कर्म मीमांसा में जैमिनी आदि जो ऋषि मुनि हो गए वो मुनियों ने ये अनेक प्रकार से उनके ऊपर विचार किया है, उनका विश्लेषण किया है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब देखो ये कर्म मीमांसा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा देखो ब्रह्म की मीमांसा है, और इसलिए कहते हैं कि हम स्वयं उनके ऊपर कोई विचार नहीं कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज जो अनेक ऋषि मुनि हो गए उन लोगों ने उनके ऊपर विचार किया है, विचार करके ये निर्णय हमें दिया है, आप समझो। तो हम स्वयं कोई किसी भी प्रकार से कोई निर्णय करने के लिए हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा ज्ञान अल्प है, हमारी शक्ति अल्प है, हमारा आयुष्य अल्प है, आप समझो। अल्प आयुष्य में हम कितना अध्ययन कर सकते हैं, बहुशाखा, और इसलिए कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्णय किया गया है वो निर्णय का हमें सम्मान करना है, आप समझ। आजकल की ये जो इतने भी संप्रदाय है सबने ये वेद शास्त्र को श्रद्धा पर रख के रख दिया है, ये श्रद्धा मात्र नहीं है, आप समझो, तर्कबद्ध है ये। श्रद्धा की व्याख्या पूज्य स्वामी जी क्या करते हैं, विवेक चुड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं सत्य बुद्धि अवधारणा, अवधारणा माने निश्चय। आप देखो गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा, आप गुरु के वाक्य में, वेदांत के वाक्य में, वेद के वाक्य में हमें सत्य बुद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि से हमारे प्रमाण से जो हम जान सकते हैं वो तो द्वैत बुद्धि है, द्वैत में सत्य बुद्धि है, आप देखो। तो वो जो कह रहे हैं उनमें हमारी बुद्धि का प्रवेश नहीं है, लेकिन उनके ऊपर श्रद्धा हमें करनी पड़ेगी, सत्य बुद्धि अवधारण। आप देखो स्वामी जी अलग प्रकार से कहते थे, अब श्रद्धा माने क्या है, श्रद्धा इज अ पेंडिंग नॉलेज, एक प्रकार से वो ज्ञान है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब तो वो जो शास्त्र कह रहे हैं वो हमारे, देखो इसीलिए मैं कहती हूं शास्त्र जो कहते हैं वो हमारे प्रमाण से विरुद्ध नहीं है, हम देख के गए कि ये दो प्रमाण अलग है, जिस प्रमाण से हमें द्वैत बुद्धि होती है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, जिस शास्त्र से हमें परोक्ष बुद्धि हो रही है, ब्रह्म बुद्धि हो रही है, वो शास्त्र प्रमाण है, दो प्रमाण अलग है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, आप देखो तो वेदांत जो, आप देखो समझो, शास्त्र हमें जो समझ आ दे रहे हैं, शास्त्र हमें जो बोध करते हैं, शास्त्र के द्वारा हमें जो ब्रह्म ज्ञान होता है या परोक्ष बुद्धि होती है,
और ये प्रत्यक्ष आदि के द्वारा हमें जो द्वैत बुद्धि होती है वो दोनों अलग प्रमाण है। लेकिन एक बात आप देखो, आपका जो अनुभव है या तो आपकी जो इच्छा है, शास्त्र उनसे विरुद्ध नहीं है, आपके ही अनुभव का विश्लेषण करके शास्त्र आपको दर्शाते हैं कि आपने जो द्वैत बुद्धि करके रखी है, आपने जो निर्णय करके रखा है वो अयोग्य है, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? द्वैत आपकी इच्छा है क्या? हम देखो, अगर आप कहते हो कि द्वैत सत्य है तो आपकी इच्छा द्वैत है क्या? प्रश्न ये है। द्वैताधि भयं भवति, जहां द्वैत होता है, अलगाव होता है, वह भय होता है। आप सुन, आपकी जो इच्छा है वो तो अद्वैत है। आप देखो, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कहीं बैठे, आपके बाजू में कोई हट्टा कट्टा लंबा आके बैठ गया, पागड़ी वाला, अब तुरंत आपके मन में क्या आएगा? अगर आप गुजराती है, मराठी है, तो आप देखेंगे ये पंजाबी, लेकिन वही पंजाबी, आप न्यूयॉर्क गए हैं और वही पंजाबी की टैक्सी में आप बैठते हैं, तो क्या होगा? ये भारतीय है, मैं भी भारतीय हूं। तो आप क्या इच्छते हो? आपकी इच्छा द्वैत नहीं है, आप समझो, ये अपना वाला जो है ना वो अद्वैत है। मैं भी गुजराती, ये भी गुजराती, मैं भी मराठी, ये भी मराठी, मैं भी पंजाबी, ये भी पंजाबी, अब देखो, मैं भी भारतीय, ये भी भारतीय, अब देखो, शास्त्र आपके अनुभव से विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं और शास्त्र आपकी इच्छा से विरुद्ध भी नहीं बात कर रहे हैं। शास्त्र तर्कबद्ध रूप से आपके बात कर रहे हैं और इसलिए कहते हैं कि जो पूर्व आचार्यों के द्वारा जो मीमांसा हुई है, कर्म उपास्ति विचारिये थे, कर्म और उपासना के ऊपर अनेक प्रकार से विचार किए गए हैं, मीमांसा की गई है, और जिस प्रकार से वहां मीमांसा की गई है, विचार किए गए हैं, उस प्रकार से विचार करना वो हमारा सामर्थ्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि वो हमारे सामर्थ्य से परे है और इसीलिए उनमें हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा लो हो, अब देखो वहां हम श्रद्धा करते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हम जान सकते, इसलिए हम आगे देख के गए कि वेद जो है वो क्या है? अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, जो आपके आपके पास जितने भी प्रमाण उपलब्ध है वो प्रमाण से जो आप जिसका बोध नहीं आपको हो सकता है वो बोध हमें ये शास्त्र कराते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से विचार करना, इस प्रकार से मीमांसा करना, ये किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है और इसीलिए उनके निर्णय पर हम जाएंगे, उन पर श्रद्धा हम करेंगे। ये कर्म है, ये कर्म किस प्रकार से करना है, ये यज्ञ है, यज्ञ किस प्रकार से करना है, उनके उपदेश का हुई अनुसरण हमें करना पड़ेगा। वेदो नित्यम अधीयताम तदुतिम कर्म स्वनुष्ठीयताम, तदुदितम, उनमें जिस जिस कर्म का आदेश किया है उनका हमें अच्छी तरह सम्यक रूप से उनका अनुष्ठान हमें करना है। फिर वो कर्म है या उपासना है। और इसलिए आगे के श्लोक में 23वें श्लोक में कहते हैं,
निर्णीत अर्थ कल्प सूत्र ही गर्थित तावता आस्तिक तुम कहे कि ये एक दो नहीं है, अब समझो ये जो निर्णय है निर्णीत अर्थ कल्प सूत्र ही आश्वलायन आदि के द्वारा कल्प सूत्र आदि की रचना की गई है, जैमिनी आदि के द्वारा पूर्व मीमांसा की रचना की गई है। अब तो ये जितने भी ग्रंथ है वो शास्त्र के निर्णय को हमें दर्शाते हैं, शास्त्र के निर्णीत अर्थ शास्त्र के अर्थ का निर्णय जो किया गया है। आश्वलायन आदि जो ऋषि हो गए तो पूर्व मीमांसा के द्वारा अनुष्ठान का प्रकार जो है वो अनुष्ठान के जो प्रकार है उनका किस प्रकार से अनुष्ठान करना है वो आश्वलायन आदि जो संकल्प सूत्र है उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये कर्म किस प्रकार का है और ये कर्म का अनुष्ठान किस प्रकार से करना है। देखो इसलिए मैंने कहा आपके मन में आया और आपने यज्ञ कर दिया और ये कुछ भी नहीं है, उनका कोई फल नहीं है। मुंडक उपनिषद में आप पहला अगर प्रकरण पढ़ेंगे, पहले प्रकरण का अध्ययन करो, आपको समझ में आएगा कि यज्ञ करना है तो उनमें किस प्रकार की शर्त है, क्योंकि यज्ञ के साथ अनेक उपकर्म होते हैं। जब तक ये उपकर्म नहीं होते हैं तब तक ये यज्ञ की पूर्णता होती नहीं है। जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो कर्म फल उत्पन्न कैसे होगा। अब तो पूर्व मीमांसा के द्वारा ये निर्णय किया गया है किस प्रकार से अनुष्ठान करना है, और कल्प सूत्र में हमें किस प्रकार से वो अनुष्ठान करना है, किस प्रकार के कर्म है और किस प्रकार से उनका अनुष्ठान करना है, ये सब जो है वो कल्प सूत्र में पूर्व मीमांसा में उनका निर्णय किया गया है। निर्णीत अर्थ कल्प सूत्र ही ग्रथित तावता आस्तिक। तो ये ग्रंथ में जिसकी आस्तिक बुद्धि है आस्तिक है। देखो आस्तिक शब्द भी क्या है, अस्ति शब्द है, अस्ति मानी है, अस्ति मानी है, गच्छति आप देखो तो ये क्रियापद है, सह गच्छति वो जा रहा है। अब ये जो क्रियापद अस्ति क्रियापद है ना, ब्रह्म अस्ति, अब देखो वो क्रियापद को ही नाम बना दिया है यहां पर, तो वो अस्ति जिसके पास है माने कि जो अस्तित्व को स्वीकारता है उसको आस्तिक कहते हैं। पाप पुण्य धर्म अधर्म लोक परलोक जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार की योनियां ब्रह्म, अब ये सब में जो अस्ति बुद्धि करके माने कि उनको सत्य मान के जो चल रहे हैं उनको आस्तिक कहते हैं। सामान्य जन में तो जो ईश्वर को मानते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं उसे हम नास्तिक कहते हैं। हम तो सामान्य लौकिक अर्थ जो है आस्तिक और नास्तिक का, आस्तिक माने किसी अस्तित्व को मानना, न आस्तिक माने कि जो अस्तित्व को नहीं मानता है। लेकिन वैदिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो वेद और वेदांत को मानते हैं श्रद्धा जिसमें करते हैं वो आस्तिक जन है, जो वेद को प्रमाण मान के चलते हैं, अंतिम प्रमाण शास्त्र है, आप समझो। तो शास्त्र प्रमाण माने कि वेद प्रमाण में जो श्रद्धा रखते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, जो वेद प्रमाण को मानते नहीं है वेद प्रमाण में श्रद्धा नहीं रखते हैं उसे नास्तिक कहते हैं।
तो शंकराचार्य जी के पहले छह आस्तिक दर्शन शास्त्र थे और छह नास्तिक थे। आप देखो नैयायिक वैशिक वैशेषिक सांख्य योग सब वेद को मानते हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मानी कर्म कांड, उत्तर मीमांसा मानी कि ज्ञान कांड वेदांत। तो न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये सब जो है आस्तिक दर्शन है। अब चार्वाक ये नास्तिक है, वेद को नहीं मानते प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। आजकल भी अनेक चार्वाक लोग हैं, ऐसा मत मानना पहले ये चार्वाक लोग हो गए अभी भी इतने। कल मैंने कहा ना जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्य मान के चल रहे हैं वो सब चार्वाक हैं, शास्त्र प्रमाण को मानते नहीं है। जैनिज्म जैन जो भी है वो वेद प्रमाण को नहीं मानते हैं। बौद्ध में चार शाखा है, बौद्ध धर्म जिसको हम कहते हैं मध्यंदिनी नहीं महायान क्षणिकवाद और शून्यवाद ये दो है। क्षणिकवाद में भी दो विभाग है और शून्यवाद में भी दो विभाग है, तो ये चार हो गए। फिर जैन है और चार बाकी छह नास्तिक दर्शन हो गए। लेकिन आस्तिक ये श्लोक में क्या कहते हैं, आस्तिक जो आस्तिक जन है जो आस्तिक है वो ये कल्प सूत्र में पूर्व मीमांसा में जिस प्रकार से शास्त्र के अर्थ का निर्णय किया, निर्णीतः अर्थ है, हम स्वयं वो निर्णय करने के समर्थ नहीं है। लेकिन जो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो निर्णय किया है वो निर्णय में जो अस्ति बुद्धिमानी की जो आस्तिक है श्रद्धालु है विचार मंत्रेण भी विचारम अंतरेण अंतरेण मतलब बिना। अब हम विचार नहीं कर रहे, उन लोगों ने जो निर्णय किया है वो निर्णय पर अगर हम चलते हैं, हम इस प्रकार से कोई सूक्ष्म विचार नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो अनुष्ठान की प्रक्रिया दर्शाई है वो अनुष्ठान की प्रक्रिया का अगर हम अनुसरण करते हैं अनुष्ठान करते हैं, शक्त अनुष्ठातु मंजसा मंजसा तत्काल वो भी अनुष्ठान करने के लिए समर्थ बन जाता है भले उसने विचार नहीं किया है। हरेक स्थान पर हमें ही विचार करना पड़ेगा, हमें ही तर्क लगाना पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। अब तो ये तर्क जो है हम नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने जो निर्णय किया है वो निर्णय हम अस्ति बुद्धि करेंगे और उनका अनुष्ठान हम करेंगे। अब देखो और इसीलिए आस्तिक बुद्धि से भी हम उनका अनुष्ठान करने के लिए समर्थ बनते हैं। आप सब कल इसलिए मैंने कहा श्रद्धामयो ही अयम पुरुष, हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। अगर आप अर्थ संग्रह तर्क संग्रह न्याय दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन वेद की अनेक शाखा है, उपवेद है अनेक, चौ वेदांग है, सबका हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, सबका हम अध्ययन भी नहीं कर सकते। और इसीलिए जिन लोगों ने अध्ययन करके निर्णय किया है वो निर्णय पर हम
श्रद्धा रख के उनके उनका अनुष्ठान करने के लिए हम समर्थ बन सकते हैं। निर्णय के लिए हम समर्थ नहीं है, लेकिन वो जो निर्णय हुआ है वो निर्णय का अनुष्ठान करना करने के लिए हम समर्थ बन सकते हैं। आस्तिक है उनमें अस्थि बुद्धि हम करेंगे, क्योंकि अनेक प्रकार के कर्म है, अनेक प्रकार की उपासना है। देखो ये छांदों के उपनिषद अगर आप देखते हो, अनेक प्रकार की उपासना दर्शाई है। अब ये जो उपासनाएं हैं, उनको अगर हम आधुनिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं तो हमें कोई संबंध नहीं दिखता है। सीधे सीधे अर्थ अगर हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो उनमें हमें कोई संबंध ही नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ही बदल गई है। वैदिक काल में जिस प्रकार से वो प्राचीन जीवन था, वो जीवन पद्धति अलग थी। अभी जो हमारी जीवन पद्धति जो है, हमारी जीवन शैली जो है, बिल्कुल अलग है। और वो जिस प्रकार से उपासना की बात करते थे, आप समझ, और आगे भी मैंने कह दिया, जो भी करना है आपको दीर्घ काल पर्यंत करना है, एक या दो दिन की बात नहीं है। देखो इसलिए कहीं पर भी आप देखिए, किसी भी पुराण खोल के आप देखिए, जहां पर भी तपश्चर्या की बात, तपश्चर्या उपासना की बात होती है, वो कम से कम 1000 वर्ष है। रावण ने 1000 वर्ष की तपश्चर्या की। आप देखो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों ने 1000 वर्ष तक तपश्चर्या की। राजा राम ने 10000 वर्ष तक राज किया। आप देखो तो ये 1000 माने क्या है, दीर्घ काल है। उनको 1000 को पकड़ के हमें नहीं बैठना है, वो संख्या महत्व की नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, दीर्घ काल पर्यंत आपको ये करना पड़ेगा। अब सुन, भागवत के आरंभ में भी, महात्मा के आरंभ में क्या होता है, शौनक ऋषियों ने निश्चय किया कि 100 वर्ष तक हम यज्ञ करेंगे। आप हम तो एक सत्यनारायण की कथा भी करनी होती है ना, दो दिन से पागल होकर घूमते रहते हैं, ये बाकी है, वो बाकी है, ये क्या क्या, अरे एक 4 घंटे की सत्यनारायण की कथा होती है, 100 वर्षों तक यज्ञ करना है, माने दीर्घ काल। ये जो संख्या है वो संख्या किसके लिए है, दर्शाते हैं कि दीर्घ काल पर्यंत आपको ये करना है। एक वर्ष में, दो वर्ष में कुछ नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं कि अगर हम उनके निर्णय पर श्रद्धा करके अगर हम अनुष्ठान करेंगे तो वो अनुष्ठान के लिए हम समर्थ बन सकते हैं, और वो कर्म के अनुष्ठान से, वो उपासना के अनुष्ठान से हमें भी कर्म फल की प्राप्ति हो सकती है। भले मीमांसा हमने नहीं की है, भले कल्प सूत्र का जो अनुष्ठान है वो किस प्रकार से करना है, उनके ऊपर हमने कोई विचार नहीं किया है, लेकिन उनके विचार से ही हम चलेंगे। अब गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, एवं बहुविध यज्ञ, अब इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ अर्जुन है, लेकिन सब यज्ञ को हम नहीं जान सकते। अनेक ऐसे आचार्य हो गए, अनेक ऐसे विद्वान हो गए, और उनके हम आस्तिक हैं, उनके हम उनके पर हम श्रद्धा करेंगे। आस्तिक माने श्रद्धा बुद्धि करते हैं। तो जो श्रद्धालु जन है वो उनका अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान से उनको फल सिद्धि अवश्य हो सकती है।
हमें ही सब अध्ययन करना है ऐसा नहीं है। उन्होंने जो निर्णय किया है वो निर्णय पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे का श्लोक उपास्ति नाम अनुष्ठानम उपास्ति नाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम विचाराक्षमर्त्याश्च विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छ्रुत्वा उपासते गुरोः तच्छ्रुत्वा उपासते गुरोः। तो बोले कि आप जो ये जैमिनी शास्त्र कहते हैं, पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, और आश्वलाय आदि उन्होंने जो कल्प सूत्र की जो रचना की है, आप ये जो बात कर रहे हैं वो तो कर्म की बात है, हम तो यहाँ जो है उपासना की बात कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, ये श्लोक जो है 23वां 27वां जो श्लोक है वो किसके लिए है? बोले कि जिस प्रकार से उन लोगों ने कर्म का निर्णय किया था, वो कर्म के निर्णय पर श्रद्धा करके जो अनुष्ठान करता है उसे फल की सिद्धि होती है। उसी प्रकार से आप देखो, बोले वो कर्म का अनुष्ठान, लेकिन आस्तिक बुद्धि है ना, वो हमें यहाँ चाहिए, श्रद्धालु है। उसी प्रकार से उपास्ति नाम, आप देखो अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम, उसी प्रकार से वो अनेक प्रकार की उपासनाओं जो है आर्ष ग्रंथेषु। आर्ष मानी क्या है? द्रुपद, राजा द्रुपद थे, उनकी पुत्री का नाम है द्रौपदी। अब राजा जनक थे जानकी, तो उसी प्रकार जिसकी रचना ऋषि मुनियों ने की है उनको कहते हैं आर्ष। आर्ष माने ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमें दिया गया है, जिसकी रचना ऋषि मुनियों ने की है। वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि मुनि हो गए, हम जानते हैं सप्तर्षि है, अत्रि है, याज्ञवल्क है, वशिष्ठ है, वाल्मीकि है, विश्वामित्र है, अनेक ऋषि मुनि हो गए। तो ये जो वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि मुनि जो हो गए हैं उनके द्वारा जो ग्रंथ की रचना की है उसे कहते हैं आर्ष ग्रंथ। और वो आर्ष ग्रंथ में ग्रंथेषु, तो वो आर्ष ग्रंथों में वर्णितम उपास्थि नाम अनुष्ठानम, तो वशिष्ठादि मुनियों के ऋषियों के द्वारा जो रचित ग्रंथ आर्ष ग्रंथ है वो आर्ष ग्रंथों में उपासना के लिए अनुष्ठान करने का वर्णन दिया गया है। मानी हम अपने अपने मन से अपनी कल्पना से कोई विशेष उपासना नहीं बना सकते। आजकल जो ये चल रहे सब टेक्निक है, वो कोई उपासना या ध्यान नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जो आर्ष ग्रंथों में जो दर्शाया है उपास्थिम अनुष्ठानम, अब देखो उपासनाओं के अनुष्ठान के जो अनेक प्रकार दर्शाए हैं, विचार अक्षम विचार करने के लिए जो अक्षम है, समर्थ नहीं है, मर्त्याश्च, और मर्त्य है मानी की अल्प आयु है, मर्त्याश्च मानी की अल्प आयु है। आगे मैंने कहा इतने ग्रंथ है, हमारा आयुष्य अल्प है, और अल्प आयुष्य में भी अध्ययन का काल कितना है हमारे पास, आप देखो। अगर आपके जीवन को आप देखते हैं, भागवत में यहां भी हम देख के गए कि अगर मनुष्य जीवन 100 वर्षों का है, माफ करना,
मनुष्य जीवन अगर 100 वर्षों का है तो 25 वर्ष तक तो हम सामान्य अपरा विद्या का अध्ययन करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं। 12 वर्ष तक माता पिता के साथ रहना है। अगर आपको एक स्वस्थ मनुष्य बनाना है आपके पुत्र और पुत्री को, 12 वर्ष तक वो माता पिता के साथ रहना चाहिए। 12 वर्ष के पहले आप उनको हॉस्टल में छात्रालय में नहीं रख सकते। हाँ, ऐसा कोई संजोग है तो कर सकते हैं, अपवाद हमेशा होता है। 12 वर्ष के बाद वो गुरुकुल जाता है और 24 वर्ष तक, 12 वर्ष तक वो वहां रहते हैं। अब तो 24 वर्ष तक, 25 वर्ष तक तो हम ये अध्ययन करते हैं, तो वो 25 वर्ष तो हमारे ऐसे ही गए। अब 75 के बाद हमारा जीवन क्या होता है आप देखेंगे। अब वृद्ध जन को देखेंगे, 75-80 के बाद मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से असक्त हो जाते हैं। अब इसीलिए बहुत सुंदर एक श्लोक है, आप देख समझो ये श्लोक, बहुत व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक श्लोक है। प्रथमेनार्जितं विद्याम्, प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया, घूमते रहे। कई लोगों ने मैंने देखा, पढ़ने का समय है, अध्ययन का समय है तो अध्ययन नहीं करते और कुछ करते रहते। तो प्रथम अवस्था में आपने विद्या का उपार्जन नहीं किया। प्रथमेनार्जितं विद्याम्, द्वितीयेनार्जितं धनम्। अब जब द्वितीय अवस्था जो है उसमें आपको धन का उपार्जन करना, वो भी नहीं किया आपने। तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था जो वानप्रस्थ अवस्था जो है जिसमें हमें पुण्य अर्जन करना है, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो। नहीं, आजकल ये सीनियर सिटीजन क्लब चल रहे हैं ना, भोग परायणता है वहां। ये बड़े बड़े नगरों में भी ये बहन लोग जो किटी पार्टी कर, भोग परायणता है ये सब, बहिर्मुखता, भोग परायणता। अब समझो, तृतीय नार्जितम पुण्यम, अब समझो ये तीन का अर्जन हमें करना है। प्रथमे नार्जितम विद्याम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो चतुर्थ अवस्था में वो क्या करेगा? आप समझ रहे? तो 75 के बाद हमारी अवस्था क्या है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये हमारी अवस्था है। अब से देखने के, दर्शन क्रिया के लिए भी हमें बहुत कठिनाई होती है, श्रवण क्रिया होती नहीं है, भोजन ठीक से कर सकते नहीं, और जो भोजन करते वो पाचन ठीक से नहीं होता है, निद्रा ठीक से आती नहीं है, हमारा शरीर क्षीण हो जाता है। जब शरीर क्षीण होता है तो मन भी क्षीण हो जाता है। शरीर में जब असक्त हो, आसक्ति आती है तो मानसिक रूप से भी हम असक्त हो जाते हैं। अब तो 25 वर्ष हमारे अध्ययन में जाते हैं, 75 के बाद हमें असक्त है, तो हमारे पास रहे वक्त 50 वर्ष का। आप समझो ठीक से, अब वो 50 वर्ष में अगर 8 घंटा हम सो रहे हैं, माने कि पूरे दिन का 1/3 हमारी निद्रा है,
तो 50 में से वो एक तृतीयांश निकाल दो, 16 जो है 16 तीन गुना करेंगे 48 हो जाएगा 40। अब तो 50 में से 16 साल तो जो है आप निद्रा में निकालते हो, 8 घंटे अगर आप 8 से 10 घंटे आप अगर काम करते हो, व्यापार कर रहे हो, धनोपार्जन करते हो, तो वो 8 घंटे उसी में चले गए, बाकी वो 16-17 साल जो उसी में गए। आपके पास रहे कितने वर्ष, 16 तो 32 तो हो गए, अब 18 साल है, वो 18 वर्ष जो है आपके पास वो भी एक साथ तो नहीं है आपके पास, वो जो 50 वर्ष है उसमें जो 18 वर्ष जो है वो भी एक साथ तो नहीं है आप सर, और उसमें बीच में क्या है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, उसको विवाह करना है, उनके अब अनेक प्रकार का दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व होता है, पारिवारिक दायित्व होता है, तो आपके पास समय कितना है आप समझो, आपके जो पर्सनल लाइफ जिसको कहते हैं ना, आजकल ये बहुत चलता है उसका, पर्सनल आवर्स जिसको कहते हैं, आपके पास कितना है मुझे बताओ। अल्प आयु है, अल्प आयु में भी ये गिनती करेंगे तो आपके पास पर्सनल जो है वो कितना है, कुछ भी नहीं है आप समझ रहे हैं, और उस काल में आपको पूरे शास्त्र का अध्ययन करना है, कैसे करेंगे आप, और इसीलिए विचार अक्षम, सब शास्त्र पर विचार करना, मीमांसा करना ये हम नहीं कर सकते आप समझो, क्योंकि हमारे अल्प आयु है, कलयुग में आयुष्य अल्प है और उसमें समय भी अल्प है, आपका व्यक्तिगत काल कितना, व्यक्तिगत समय कितना है आप देखो, गिनती करके देखो, बहुत अल्प काल है हमारे पास, और इसलिए कहते हैं विचार अक्षम, आप समझ गए, इतना सूक्ष्म विचार करने का सामर्थ्य नहीं है हमारे पास, विचार अक्षम मर्त्याश्च, मर्त्य है हम लोग, अल्प आयु है, तत्श्रुत्वा उपासते गुरोः, और उन लोगों को क्या करना है, गुरोः श्रुत्वा तद उपासते, उनको गुरु को श्रवण करके, गुरु पर श्रद्धा करके, गुरु जिस प्रकार से हमें शास्त्रोक्त विधि दर्शाते हैं, शास्त्रोक्त उपासना दर्शाते हैं, उस प्रकार से हमें उपासना करनी पड़ेगी, आप समझ। एक बहुत सुंदर श्लोक है तो बहुत सारे श्लोक, एक श्लोक बहुत सुंदर, कलौ कलुष चित्तानां, कलौ ये कलयुग है, कलयुग में हमारा चित्त जो है कलुष है, मैंने कहा ना भोग कलुष मानी भोग परायण बहिर्मुखता, कलुष मानी अशुद्धि, अनेक प्रकार के विषय वासना लेके हम बैठे हैं, ये टीवी में जो हम देखते हैं, ये मोबाइल पर फेसबुक पर हम जो देख रहे हैं वो क्या करते हैं, हमारी वासना जो है उनको प्रदीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, अनेक प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट जो आती है वो क्या कर रहे हैं, सब हमारी वासना को प्रज्वलित करते हैं, जागृत कर देते हैं, जो सुषुप्त हमारी वासना विषय वासना जो पड़ी है भोग परायणता जो सुषुप्त अवस्था में सबको वो जागृत कर देते हैं। ये प्रवास के लिए, ये भोग के लिए, आप समझो, ये टीवी आदि जो है, फेसबुक आदि जो हमारे विषय वासना को इतने प्रज्वलित करते हैं, हमें बहिर्मुख बताते हैं, और इसीलिए कहते हैं कलौ कलुष चित्तानां,
हमारा चित्त ही कलुष है, मलिन है। आप देखो पाप द्रव्य उपजीविना, अब कितना भी प्रयत्न करो हमारा जो द्रव्य है, धन है, धान है, आप देखो घर है, वो सब पाप द्रव्य। आप देखो पाप द्रव्य माने कि कहीं न कहीं अधर्म है। आप समझो, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि आपके मन में अगर दुख है, मानसिक रूप से आपके मन में संताप है, तो कहीं न कहीं अधर्म है आपके जीवन में जो आपको शांति से नहीं रहने। धन की अशुद्धि है, आहार की अशुद्धि है, हम आगे देखेंगे कि सदा शुचि ही, कर्म की शुद्धि, सत्कर्म होना चाहिए, हमारी भावना सद्भावना होनी चाहिए, सद्विचार होना चाहिए, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, हमारा दर्शन सात्विक होना चाहिए, हमारा श्रवण सात्विक होना चाहिए, लेकिन ये संभव ही नहीं है। ये जो आधुनिक काल में हमारी जो जीवन शैली है, पाप द्रव्य उपजीविना, जो जो द्रव्य का उपार्जन हम कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटा छोटा छोटे छोटे पाप वहां पर है, पूर्णतः प्रमाणिक रूप से धन की सिद्धि करना संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे सत्संगी मिलते हैं मुझे, वो बोलते हैं सामने से, स्वामी जी ऐसा छोटा मोटा झूठ तो बोलना पड़ता है, और इसलिए कलयुग में पूर्णतः प्रमाणिक रूप से धन का उपार्जन करना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं दाने न धन शुद्धि ही, जो भी धन आप उपार्जन करते दान करो, 10% अगर आप दान नहीं कर सकते हैं, 5% आप करो। और हमारे यहां तो क्या है, अनेक उत्सव आते रहते हैं, अनेक प्रकार के जो उत्सव है, आप दान करते रहो, आप समझो ये दान से ही धन की शुद्धि होती है। और इसलिए कहते हैं पाप द्रव्य उपजीविनाम, कलौ कलुष चित्तानाम पाप द्रव्य उपजीविनाम, और किसी भी प्रकार से हम वैदिक कर्म जिसको कहते हैं, हमारे नित्य कर्म है, वो नित्य कर्म का अनुष्ठान हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन जीवन जीने के लिए ही, आप समझो, बहुत सारे अहिंसा, बहुत सारे हिंसा होती है, और वो हिंसा जो हो रही है मार्जनम चुल्ली कुंडी चुल्ली मार्जनम उदकम, अब देखो उदकुंभश्च, तो हमारे दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार के पाप हैं, और उनकी शुद्धि के लिए हमें नित्य कर्म करना है। ये संध्या वंदना जो है, अग्निहोत्र कर्म जो है, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब किसके लिए है? हमारे दैनिक जो पाप हो रहे हैं, वो दैनिक पाप से हमारी शुद्धि करने के लिए सब यज्ञ कर्म है, लेकिन वो उनका भी अनुष्ठान हम नहीं करते। हरेर नामैव केवलम, लेकिन एक उपाय है, हरेर नामैव केवलम, हरि का नाम लेते रहो। आप सुन,
चिंतन करो ईश्वर का, क्योंकि ये जीवन पद्धति कलयुग में ऐसी है। देखो इसलिए मैं आगे कि भक्ति का कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। अब भक्ति करो, भरे चिंतन करते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, कुछ नहीं कर सकते हो, राम राम करते रहो, नारायण 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 करते रहो, भक्ति भाव से शरणागति के भाव से आप करते रहो। हम करते हैं लेकिन वो शरणागति नहीं है हम में। अगर शरणागति है तो हम मुक्त होकर रहेंगे। ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति तो करो आप, ईश्वर सदा सर्वदा आपके साथ है ही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान क्या कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्व के हृदय में है, आपके हृदय में ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर के है, उनकी अनुभूति है आपको। अब आपके हृदय में ईश्वर है तो वो ईश्वर की अनुभूति तो करो। अगर ईश्वर की अनुभूति करेंगे तो किस प्रकार की चिंता आपको है? सर्वज्ञ ईश्वर है, सर्वशक्ति ईश्वर है, जो आपके हृदय में निवास करते हैं, उनके सानिध्य की अनुभूति करो, कोई असुरक्षा नहीं रहेगी। आप समझो, स्वामी जी कैसे बहुत सुंदर पुस्तक है, आप समझो। अगर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति करनी है तो ईश्वर की शरणागति आवश्यक है। सरेंडर एंड फ्रीडम, आप पढ़ो वो पुस्तक, ईश्वर की शरणागति ही मुक्ति है, बाकी तो सब बंधन है। ये जगत में हम बंधन में पड़े हुए हैं, घर सत्ता संपत्ति ये सब बंधन है। सरेंडर एंड फ्रीडम, आप ईश्वर की शरणागति से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो ईश्वर हमारे हृदय में है, सर्वत्र ईश्वर है आप। तो ये सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति तो करो आप। ईश्वर के सानिध्य की अगर आपको अनुभूति होगी ना, आप बहुत निरांत से रहेंगे, कोई चिंता नहीं है हमें। जिस प्रकार से बालक जो है ना, कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में गए हैं, कितने भी लोग होते हैं, लेकिन मम्मी या पापा आसपास है, वो कितने आराम से खेलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बार वो देखते रहे, मम्मी वहां पर है, पापा वहां पर है, वो खेलते रहते। आप भी देखो जिस प्रकार से माता पिता के सानिध्य से ये बालक मुक्त होके खेलते हैं, आप भी ईश्वर का सानिध्य देखो, आराम से रहो। आप समझो, ये कलयुग में एक ही उपाय, हरेर नाम है केवल, ईश्वर के नाम से ही आपको सुरक्षा की अनुभूति होगी, ईश्वर के नाम से ही आप शांति की अनुभूति करेंगे, क्योंकि कलयुग ऐसा है। आप देखो, क्योंकि हम मर्त्य है, अल्पायुष्य है, और इसलिए कहते हैं गुरोः श्रुत्वा उपासते। आप देखो, गुरु के मुख से ये सब श्रवण करके हम भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि वो विचार जो है ऋषि मुनियों ने किया है, अब हमें ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और हम विचार करने की क्षमता रखते भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा आर्ष ग्रंथ में जो दर्शाया है, उनके ऊपर विचार करने की हमें क्षमता नहीं है, और अल्प मर्त्य हमारी, अल्प आयुष्य हमारा है, अल्प काल हमारे पास है, जो काल है उनका उपयोग तो करो आप। और गुरु की आज्ञा का पालन करो, महाराज श्री हमेशा कहते हैं, या तो आप शास्त्र की आज्ञा में रहो, या तो आप गुरु की आज्ञा में रहो, या तो आप ईश्वर की आज्ञा में रहो। रमण महर्षि जी ने उपदेश आरंभ जो लिखा, पहला वाक्य क्या है,
कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। आप देखो कर्तु हो, जगत कर्तु हो, उनकी आज्ञा से ही हमें कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो आपके जीवन में जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उनका विरोध क्यों करते हो? स्वामी जी हमेशा कहते हमारे ईश्वर से विरोध या आईब्रो और बाल से आरंभ होता है, जो है उनको हम नहीं स्वीकार कर सकते और इसलिए पूरी इंडस्ट्री चल रही है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चल रही है? क्योंकि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। अगर ये स्वीकार्य है तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चलेगी? आप देख, और वो लोग इस प्रकार से आपके मन में डाल देते हैं कि आप अस्वीकार्य बन जाते हैं, आपके लिए ही आप अस्वीकार्य बन जाते हैं। आप देखो तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको एक अस्वस्थ व्यक्ति बना रहे हैं, मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति बना रहे हैं, क्योंकि आप अपना ही अस्वीकार कर रहे हैं। देखो मेरे वाक्य थोड़े कटु लगेंगे आपको, लेकिन ये वास्तविकता है। आप जो है जैसे हैं उनका अस्वीकार ये देख देख के कर रहे हैं आप, तो अस्वीकार से क्या आप एक संतुलित व्यक्ति रहेंगे? बैलेंस्ड माइंड रहेगा, संतुलित मन रहेगा आपका? नहीं रहेगा। तो शारीरिक रूप से तो आपको वो असमर्थ ही बना रहे हैं, मानसिक रूप से भी वो आपको असंतुलित कर रहे हैं। आप समझ, ईश्वर ने दिया हुआ है ना, तो स्वीकार करो, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप समझ, तो ईश्वर के द्वारा जो दिया गया शास्त्र है, मनुष्य जीवन है, उनका हम स्वीकार करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, शास्त्र आज्ञा का। मराश्री हमेशा बुद्ध स्वामी जी भी कहते हैं, अगर हम उनकी आज्ञा में नहीं रहेंगे तो हम हमारे राग द्वेष ये बाह्य विषयों के पराधीन बन के रहेंगे। हम ये हमारी पराधीनता है, आप देखो, और वो पराधीनता को हम आधुनिक जीवन मानते हैं। मराश्री तो इतने तक कहते हैं कि अगर आपको दान भी करना है तो गुरु की आज्ञा से दान करो, अगर आपको जप भी करना है, तप करना है, गुरु की आज्ञा से करो, क्योंकि नहीं तो आपके मन में अहंकार आ जाएगा, मैंने इतना दान किया। लेकिन किसी की आज्ञा में अगर रहेंगे तो अहंकार को कोई स्थान नहीं, निरहंकार है। और इसलिए कहते हैं तत्श्रुत्वा गुरोः उपासते, अपने आप मन में आया वो उपासना नहीं करनी है, गुरु के द्वारा। गुरु जानते हैं हरेक शिष्य के व्यक्तित्व को, गुरु जानते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उनके लिए कौन सी उपासना योग्य है, वो गुरु हमें आदेश करते हैं और वो आदेश के अनुसार हमें अनुष्ठान करना है। आप सब अपने मन से हमें निर्णय नहीं करना है, निर्णय तो उन लोगों ने करके रखा है, वो निर्णय करके जो रखा है उसमें किस प्रकार की उपासना हमें करनी है। कई लोग गुरु के पास जाते हैं और मंत्र दीक्षा लेते हैं, फिर बोलते हैं वो मंत्र तो नहीं, मुझे तो वो मंत्र नहीं चाहिए था। अब देखो मानी कि वो अपनी मन की कर रहे हैं, अब जब गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो विरोध क्यों कर रहे हो? अगर गुरु ने मंत्र दिया है और आप अगर आप विरोध उसका करेंगे तो वो मंत्र आपको कभी फलित नहीं होगा, क्योंकि अविश्वास है आपका, विरोध है वहां पर। और इसलिए कहते हैं गुरु हो तत्श्रुत्वा उपासते, गुरु के पास से ये श्रवण करके हमको ये उपासना करनी है, आस्तिक बुद्धि करनी। जिस प्रकार से कर्म के अनुष्ठान में हम आस्तिक बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से आर्ष ग्रंथ में जो भी वो उपासना के लिए निर्णय किया गया है वो निर्णय को शुरू गुरु के द्वारा श्रवण करके हमें उपासना करनी है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।